प्रताप कहाँ पर है? हमने उनको पूर्वजों के कक्ष की ओर जाते देखा था हुकुम। कुंवर रानी सा हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया। उस मुगल को हमने अपने दुर्ग पर अधिकार करने से रोकने का भी प्रयास किया, और हमसे भी बढ़कर हमारे वीर सेनापति और उनसे भी बढ़कर हमारे निडर प्रजाजन ने शत्रु को मातृभूमि से खदेड़ने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किंतु अब युद्ध की संभावना चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है, कभी भी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आंखें गड़ाए हुए हैं। बस देखना यह है कि सबसे पहले आंख कौन झांकता है, हम राजपूत या वो मुगल। अजब दे, आप इतनी उत्साहित क्यों दिख रही हैं? बात क्या है? क्योंकि बहुत ही शीघ्र हमारे छोटे कुंवर अमर सिंह जी यहाँ पर आने वाले हैं, और ताजी राजा छोटी माँ भी लौट कर आने वाली है। किंतु दुर्ग में खतरा तो अब भी है, और उस मुगल ने घेराव समाप्त कहाँ किया? वही तो, वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम मुगल की बात कर रहे हैं, वे लोग मेवाड़ छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। क्या सत्य कह रही? आप स्वयं क्यों नहीं जाकर देख लेते? आचिराज, आओ चल, ये देखिए। क्या मुगल मेवाड़ छोड़ वापस जा रहा है, हार मान के वापस जा रहा है? ये दृश्य को देख हमें विश्वास नहीं हो रहा रावत जी। एक बात कहें आपसे, यह दृश्य आपके शौर्य से ही संभव हुआ है, और हमें ऐसा लगता है बाजीराज की यह मुगल अच्छी तरह से समझ गया है कि न केवल ये दुर्ग भी अभेद्य है, अभी तो हम राजपूतों के हौसले भी। नहीं रावत जी, ये पत्ता कल्ला जैमल जी और आप सबके शौर्य और आत्मबल से ही संभव हुआ है, आप सबके। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। रावत जी, ये तो मुगलों की बहुत बड़ी टुकड़ी अकबर की सेना में जुड़ रही है। लगभग 20 सशस्त्र सैनिक तो होंगे इस नई टुकड़ी में। अब ये नया संकट क्या गया? उधर आसफ खान अपनी सेना के साथ आ रहा है। शहंशाह का इकबाले बुलंद हो, यहां पना इस जंग के लिए 20,000 की फौज इकट्ठा कर ली है आपके हुजूर में। ये 20,000 सिपाही आपकी एक इजाजत के लिए कुर्बान हो जाएंगे जहांपना। आपके एक इशारे पर चित्तौड़ पर फतह करने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। माफी चाहता हूं दोस्त, जहांपना ने चित्तौड़ छोड़कर आगरा लौटने का फैसला कर लिया।
इन राजपूतों को इनके घर में हराना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा हुआ कि आप अपने सिपाहियों की टुकड़ी लेकर वापस चले जाएं। आप लोग आइए मेरे साथ। ठहरो। कोई कहीं नहीं जाएगा। कुदरत के इशारे को हम समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए और हमें क्या करना है। इतने सिपाही पाक मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ऐसी कौन सी जंग होगी जो हम जीत नहीं सकते। दुश्मन के तस्करे में तीर खत्म हो जाएंगे पर हमारे सिपाही नहीं। इसलिए अब जंग होगी और तब तक होगी जब तक हम चित्तौड़ पर फतेह हासिल नहीं कर लेते। जब तक हम चित्तौड़ के किले पर मुगलिये परचम नहीं लहराते हम यहां से नहीं जाएंगे। अकबर आजम, 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 अकबर आजम। अजी राज, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन मुगलों की सेना का मनोबल अकस्मात बढ़ गया है। ये मुगल इतनी सरलता से यहां से जाने वाला नहीं है। हम भी इसे पाठ पढ़ाए बिना अपनी मातृभूमि से जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे हम इसे। संबात का काम और मिट्टी का पहाड़ दोनों पूरे किए जाएं। हम अपने आप को 15 दिन देंगे जिसके बाद चित्तौड़ बर्बाद होगा। इन राजपूतों को और उस प्रताप को हम सबक सिखाएं। अजब थे, पता नहीं ये घेराबंदी समाप्त कब होगी। इतना अनाज हमें कब तक सुरक्षित और जीवित रख पाएगा। इतने महीने हमारा ध्यान रखने के उपरांत भी हमारे पास बस 1 महीने तक का खाद्यान्न बचा है। हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो हम उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहाँ पर प्राणलेवा होकर रह जाएगी हमारे लिए घेराबंदी। यदि हमारे कोठियार में खाद्यान्न ही नहीं बचेगा तो फिर कैसे लड़ेगी हमारी सेना ये युद्ध? हमारी आंखों के सामने मर जाएंगे हमारे लोग। इस समय हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं बचा है कि हम बाहर से अनाज मंगवा सकें। नहीं अच्छा, हमें लगा था कि आज हमें मुक्ति मिल जाएगी इस घेराबंदी से और 20 सहस्त्र सैनिक बाहर हमारी प्रतीक्षा करें हम पर आक्रमण करने के लिए। प्रताप, यदि आप ही अपना धैर्य हार गए तो फिर बाकियों का क्या होगा? आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल ही लेते हैं। हमने प्रयास किया जब थे किंतु हमें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। यदि अपनी मातृभूमि के लिए मेवाड़ के लिए हमें अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं। कुंवर प्रताप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? छुप छुप बोलिए। समस्त राज परिवार को महल छोड़कर जाना पड़ा। दाजी राज, अमर सिंह, छोटी मां, सबको देखा नहीं आपने? दाजी राज की आंखों में आंसू थे जब वे महल छोड़कर जा रहे थे। कुछ भी नहीं कर पाए। हम तो यह भी नहीं जानते कि आज मैं किस हाल में होंगे। प्रतिदिन हम एक रिंग जी से यही प्रार्थना करते हैं बस इसमें सब ठीक रहे। बस एक रिंग जी हमें इतनी शक्ति दे कि हम शत्रु को परास्त करके पुनः उन्हें इस महल में वापस ले। एकलिंग जी आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। देखिएगा सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। खम्मा गणी, चक्रपाणी मिश्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चक्रपाणी मिश्र, चलिए हम शीघ्र ही आते हैं।
सब कैसे है वहाँ पर? सभी कुशल मंगल है वहाँ पर, सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए। हौजीराज, हुसैन खुली खान तो भाग गया अपनी जान बचाकर। अच्छा, ये भगवान, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। चक्रपाणि, आपके इस शुभ समाचार को सुन हमारे मन का भारी बोझ एक क्षण में दूर हो गया। और बताइए, छोटे कुंवर कैसे हैं? छोटे कुंवर? आप तो उनके बारे में पूछे ही मत। शूरवीर है, सच्चे शूरवीर। कुंवर जगमाल, चांद भाईसा, महारानी साहब, सबका अच्छे से ख्याल रखते हुए। बस आप दोनों को बहुत याद करते हैं। चक्रपाणि, अवश्य उनकी शरारतें और बढ़ गई होंगी। हाँ हाँ, उत्तेजित तो है ही। जैसे हुसैन खुली खान ने आक्रमण किया, उन्होंने शीघ्र ही अपने तलवार का जौहर दिखाया। ते छोटे से आयु में 10-10 लोगों को मार गिराया उन्होंने। एक बार यहाँ पर आ जाए तो हम अपने गले से ही लगा कर रखेंगे उन्हें, कहीं नहीं जाने देंगे। चलते हैं। बहुत शीघ्र ही छोटे कुंवर और राज परिवार के सभी सदस्य वापस आ जाएंगे। बहुत शीघ्र। सिपाहियों, फतेह हमारी होगी। हमारे बहादुर जाबाजों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह। चित्तौड़ पर फतेह हम ही हासिल करेंगे। अकबर आजम, अकबर आजम, अकबर आजम। जहां अपना का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, दोनों सबाक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हमारी तोपें मिट्टी के पहाड़ पर तैनात की जाए। जो हुक्म शहंशाह। मात्र 15 दिन तक का ही अनाज बचा है हमारे पास। अजबते, अब कुछ ही दिनों में हमारी कठिनाइयां और अधिक बढ़ जाएंगी। हमारे कई प्रयासों के उपरांत भी मुगलों की सपात लगभग बन चुकी है और मिट्टी की पहाड़ी भी तैयार हो चुकी है। बस वो मुगल शीघ्र ही हम पर आक्रमण करेगा। उसके आक्रमण की प्रतीक्षा है हमें। लेकिन अगर घेराबंदी चलती रही तो कैसे चलेगा? कुवराणी सा ने पिछले 2 दिनों से अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। क्या? नहीं नहीं, इन्हें भ्रम हुआ है। हम तो 2 दिनों से उपवास कर रहे थे। अब ये आग चित्तौड़ की हार और हमारे फतेह की शुरुआत हो। आपके इस त्याग और बलिदान को चित्तौड़ सदैव याद रखेगा। चलते, गर्व हो रहा है हमें आप पर। अजब थे, आज से हम भी अन छोड़ रहे हैं। शत्रुओं से लड़ रहे हमारे सैनिकों के लिए हमारी ओर से एक तुच्छ प्रयास, जिससे कि हमारे सैनिक कुछ और दिनों तक शत्रुओं से डट कर सामना करें, सीना तान कर। क्या कोई भी उपाय संभव नहीं?
लगता है वो घड़ी आ चुकी है जब हमें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए एक अंतिम तैयारी करनी पड़े। राज, मुगलों ने पुनः तोप के गोले दागना आरंभ कर दिया है। राज, आइए। सबको सुरक्षित स्थान पर भिजवाइए उपचार के लिए, शीघ्र ही भिजवाइए। सभी महल के अंदर रहेंगे, कोई खुले में नहीं रहेगा। कुंवर प्रताप आप जाइए, हम इन सब की सहायता कर लेंगे। आइए हमारे साथ, शीघ्र ले जाइए इन सबको। जब तक चित्तौड़ के किले के दरवाजे चूर चूर ना हो जाए, जब तक हम चित्तौड़ पर फतेह हासिल ना कर ले, तब तक हमारी तोपों से आग बरसती रहनी चाहिए। प्रताप आपको यहां नहीं आना चाहिए था। देखिए कैसे आग उगल रही है अकबर की तोपें और हमारे हृदय में आग उबल रही है। जयमल जी, जी, इन मुगलों की तोपें प्रताप सिंह के आत्मबल को कदापि नहीं हिला सकती। लाइए। पहुंचराज, इस ओर देखिए, सबातों की ओर। ये मुगल तो हमारे तुर्क की जड़ों में बारूद लगा रहे हैं। ये हमारे तुर्क की प्राचीर के नीचे बारूद लगाकर हमारे तुर्क की दीवारों को उड़ाना चाहते हैं। खुद देखिए बहुजीराज, इन मुगलों ने अपने इन दोनों सबातों के मुहानों से निकल निकल कर बारूद बिछाना आरंभ कर दिया। चिराज, यदि वे ऐसा करने में सफल हो गए तो यह दुष्ट मुगल एक ही धमाके के साथ हमारे दुर्ग की दीवार में अनेक छेद बना देंगे और इन मुगलों की सेना बड़ी सरलता से हमारे दुर्ग में प्रवेश कर जाएगी। चिराज, ऐसी परिस्थिति में हमारी पराजय निश्चित है। क्या करें कुंवर प्रताप, एक ओर तो ये मुगल अपनी तोपों से हम पर गोले बरसाए जा रहे हैं और अब तो ये बारूद लगाकर हमारी दीवारें भी उड़ाना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, यदि शीघ्र हमने कुछ नहीं किया तो जीत अवश्य ही मुगलों की होगी। इस समस्या का कोई तो उपाय होना ही चाहिए। हमें तो नहीं दिखता इस समस्या का कोई समाधान। अब साका के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। हर समस्या का उपाय होता है, अवश्य इसका भी है। अब जहां जहां बारूदी सुरंग बिछी होगी ये उन स्थानों पर जड़ी बूटी रखकर चिन्ह लगाएगी ताकि उन स्थानों पर बिना पाव रखे किले में प्रवेश कर सके। ना बच्चे, शीघ्र ही खेत को बुलवाइए। बारूद उसके हर संभव तौर को उससे अच्छा और कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं हमारे समस्या का उपाय वही जानते हैं। मैं लगता है आपका कहना उचित है भाऊजी, हम शीघ्र उसे बुलवाते हैं।